दिस क्वेश्चन यू आर आस्किंग आपका पेज नंबर 150 आपका एग्जांपल नंबर 2 द टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी प्रूव दैट एंगल पीटीक्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीक्यू ये आपको प्रूव करना है देखिए सर्किल तो आपको कुछ ही नहीं लगे जो पहले पिछली बार टेंथ में तो होता था सर्किल उसका मुझे लगता कि ये 2% हिस्सा भी नहीं पिछली बार का पता नहीं किसने इसको ऐसा रेड़ मार रखी है सिलेबस की एनी हो लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन दे दिया बना दो प्लीज एग्जाम्पल है आपकी समझ में नहीं आया तो देखो यस आप हमेशा कोई भी क्वेश्चन है आप पहले उसका फिगर ड्रॉ करना सीखें फिगर ड्रॉ अगर आपने कर दिया तो 40% आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपने आप ही क्लियर हो जाएगा बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि फिगर दिया होता है बनाता नहीं है तो बनी बनाई चीज पे दिक्कत आती है तो टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू इसका मतलब टी आपका जो आर ड्रॉन फ्रॉम द सर्किल विद द सेंटर ये सेंटर देखिए सर ये ओ है टी इज ए पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है ये देखो दिस टी यहां पे आपका P है देखो ये यहां पे आपका Q है एसेट क्लियर सर क्लियर ना अब आप क्या करेंगे इस पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए ये आपका कॉर्ड बन गया ठीक हो गया अब आपका नाम यहां से आप इसको भी जोड़ दीजिए वन साइड जोड़िए आप ज्यादा नहीं आपका ना देखो जैसे तो वी हैव ए गिवन सर्किल आपका देखो ना कायदे इसको ऐसे लिखते हैं ओ इज अ सेंटर सर्किल को आर आपका क्या हो गया रेडियस आपका ना देखो इज इट क्लियर एंड फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन ठीक है सर ए टू द सर्किल आपने हो गया इसका मतलब आपका पी एंड जो क्यों होंगे आर इनको क्या बोलेंगे आर नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपका नाम लिखो यानी टेंजेंट को जो आपका एक पॉइंट पे आपका सर्किल को टच कर रहे हैं दैट इज द पॉइंट ऑफ क्लियर हो गया सर क्लियर और ये आपका ना एक ये पूरा वाला आपका नाम देखो दिस दा अगर आप इसमें देखेंगे एक थ्योरम आपकी होगी आपका नाम देखो दिस दा ये कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल आपकी ये होती है ठीक है तो ना आपका सॉरी सुनो तो आपका देखो टी टी पी इज इक्वल टू टी क्यू ये क्यू भी सर आपका ना कि ना द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ये किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप टेंजेंट्स आपका ड्रॉन करेंगे तो उसकी लेंथ अपना ये इक्वल हो जाएगी सर क्लियर हो गया अब आपका देखो ये हुआ इसके बाद देखिए अपना अभी ये इसको क्या कहते हैं नहीं नहीं इसके लिए भी आपका एक आपका थ्योरम लगाते हैं क्या लगाते हैं आप इसके लिए फर्स्ट वाइज क्या है अब हाँ ये तो एंगल आपका एंगल आपकी समझ में इसलिए नहीं है एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 degrees क्यों होगी यहां पे भी लिखेंगे कि नाउ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
एक ये इसका क्लियर हो गया। ये 90 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि देखो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल, इस सर्किल में इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर हो गया। तो ये दो दो थ्योरम इसमें आपकी काम कर रही है, आपका थ्योरम नंबर टू और थ्योरम नंबर वन आपकी इसमें काम कर रही है। इज इट क्लियर सर? बस अब यहां आपने इतना एक्सक्यूट किया जो ये कहीं इन्होंने किताबों में कहीं एक्सक्यूट नहीं किया, ठीक है। और आपको ना ये तो आपका ये, इसको शुरुआत में ही लिख दीजिएगा, इसके बनाने के बाद ना तो टू प्रूव दिस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू अपन ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, तब हमने इसमें आपका ना ये प्रूफ में हमने इतना काम किया, ठीक है सर? ओके क्लियर, ये आ गया। अब देखो ना, अब आप क्या करेंगे, एंड ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल, अब देखो आपका एंड ट्राइंगल आपका देखो दिस इज पी टी क्यू, एंड ट्राइंगल पी टी क्यू, देखो आपने बोला टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, अब यहां पे लिखते प्रूव्ड अबव, जो हमने यहां प्रूव्ड अबव किया टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, आपका आंसर क्लियर सर? या यहां पे इस फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन भी आप स्पेसिफाई कर सकते, क्लियर हो गया। तो देयर फोर ट्राइंगल अपन टी पी क्यू इज इक्वल ट्राइंगल टी क्यू पी, भाई ये है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे एग्जैक्टली। आपका ना अगर आप देखेंगे आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की आपका प्रॉपर्टी आप लगा देंगे, या इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स भी आप कर सकते हैं, या और आपका ना इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स भी आप इसमें लिख सकते हैं जो मर्जी आपका, या आप इसको एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा लेवल। अब आप इसको मान लीजिए सपोज के लिए दे देते हैं, क्योंकि ये लेट आपने का लेट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल थीटा दे दिया, ये लेट स्टेटमेंट का मतलब इसको हमने ये मान लिया, चलिए तो बस अगेन इन ट्राइंगल पी टी क्यू, अब इसमें देखो एंगल एंगल अगर टी प्लस एंगल टी पी सॉरी सॉरी एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल 180 डिग्री, ये ट्राइंगल सम आपका ना प्रॉपर्टी है, एंगल टी का मतलब थीटा ए, ये हमने थीटा माना हुआ इस वक्त के लिए, प्लस एंगल टी पी क्यू एंड इन प्लेस ऑफ टी क्यू पी की जगह में भी आपका एंगल टी पी क्यू आप रख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका ना इसको माना 3 और इसको माना 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ये कर दिया आपने, ठीक है सर? ये आपका 3 हो गया, एम राइट? तो ना थीटा डिग्री प्लस टी पी क्यू एंड टी पी क्यू, वन टी पी क्यू पेन वन टी पी क्यू टू टी पी क्यू, वन एटी डिग्री, ओके। सो नाउ इट विल गो दियर आपका ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, ये ओटी में चला गया, राइट सर? प्लस इस ट्रांसपोज ऑन द राइट हैंड साइड, सो इट्स साइन विल बी चेंज, एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 आपका ऑफ 180 डिग्री एंड माइनस थीटा डिग्री, ये इसके नीचे आ जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका बन एंगल टी पी क्यू इज इक्वल 180/2 और माइनस थीटा बाई टू, तो देखो एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाई टू, ये आपका देखो ना होते सर, ये आपकी थर्ड ये फोर्थ ये आपकी फिफ्थ आगे ये फोर्थ थी, देखो एम आई राइट? क्लियर है ना? अब ना अब आप एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, या आप इसको ओ टी पी इज इक्वल टू ओ टी ओ पी टी सर ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका देखते हैं ये भी आपने प्रूव्ड अब किया इक्वेशन नंबर टू, ठीक है सर? अब ओ
ओपीटी को आप क्या लिख सकते देखो ओपीटी को आपका ओपीटी को आपका नाम देखो दस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू द होल एंगल दिस एंगल एन प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू द होल एंगल am I right? So, this angle plus this angle is equal to whole angle. ठीक है सर क्लियर तो ना एंगल ओ पी क्यू प्लस टी पी क्यू कितना है दिस 90 माइनस आपका क्या सर थीटा बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री यहां पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 इन प्लेस ऑफ टी पी क्यू आपने 90 माइनस थीटा बाई टू कर दिया एम राइट सर अब आपका देखो ना एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू ये पूरा उधर मूव करेगा ये 90 इज इन इट्स प्लेस जब इधर जाएगा प्लस 90 माइनस 90 में कन्वर्ट होगा और माइनस थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू में कन्वर्ट हो जाएगा ओटी में जाकर 90 से 90 खलास इज इट क्लियर तो नाउ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू ये नाउ थीटा बाई टू आपका है व्हाट इज थीटा थीटा डिग्री को आपने क्या लिया सर पीटीक्यू एंगल पी टी क्यू आपका इन प्लेस ऑफ दिस यू राइट एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू नाउ इन प्लेस ऑफ थीटा यू हैव टू राइट पी टी क्यू अपॉन टू ये ऊपर जाएगा एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इज दैट क्लियर सर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली क्या कि आपकी किताब में ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है इसलिए द प्रॉब्लम वाज कमिंग देख लीजिएगा इफ एनी सॉर्ट ऑफ डाउट देन प्लीज यू आस्क मी और किसी बंदे का भी भला हो जाएगा इसको जरूर उसमें भी डाल दो क्या कहते हैं इसको ट्विटर में भी डाल दो इसको एक्सप्लेनेशन इसकी वही है सी शेयर सब्सक्राइब नाउ प्लीज डू इट एनी क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट आपको कोई पता करना हो या लगाना हो या पूछना हो एनी लाइन यू हैव टू आस्क इज इट क्लियर फाइन प्लीज डू इट